दोस्तों, स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, IPL 2020 में हमें कई सारे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर BCCI जो है कई सारे रूल्स भी IPL 2020 के लिए चेंज करते हुए हमें नजर आई है, जिसके ऊपर दोस्तों हमने एक सेपरेट वीडियो जो है वो बनाई है और आपने उस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद भी किया है। और यहां पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे रूल्स की जो कि BCCI जो है चेंज करने की सोच रही थी IPL 2020 के लिए, और इनमें से आपको बताएंगे वो रूल जो कि यहां पर कैंसल हो चुके हैं और वो रूल जो कि शायद से IPL 2020 में हमें देखने को मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों, कौन से हैं वो तीन इंटरेस्टिंग रूल, बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप भी IPL के फैन कर रहे हैं, IPL 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों, आपकी फेवरेट टीम कौन सी, आप किसे सपोर्ट करेंगे IPL 2020 में, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। यहां पर दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रूल है वो है दोस्तों सुपर प्लेयर रूल, जहां पर दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अजीब सा रूल BCCI ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत दोस्तों मैच के बीच में कोई एक खिलाड़ी जो है जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होता, वो यहां पर मैच में आकर बैटिंग या बॉलिंग भी कर सकता था एज अ सुपर प्लेयर। इसको दोस्तों हम एग्जांपल से काफी सिंपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों KKR की टीम जो है वो खेल रही है और आंद्रे रसल जो है प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहे, वो किसी कारणवश जो है वो यहां पर बेंच पर ही बैठे हुए हैं। आखिरी ओवर में KKR को 17 रन 20 रनों की जरूरत पड़ती है और ऐसे में KKR की जो टीम है आंद्रे रसल को जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे एज अ सुपर प्लेयर बुलाती है और वो डायरेक्ट बैटिंग करने जो है वो आ जाते हैं। इस तरह का अजीब रूल जो है सुपर प्लेयर रूल जो है इंट्रोड्यूस किया था BCCI ने और BCCI इसे लाना चाहती थी IPL 2020 में। इसकी काफी ज्यादा आलोचना हुई, ये यहां पर क्रिकेट को जो है काफी खराब करता, काफी सारी फ्रेंचाइज इसके अगेंस्ट थी और इसी वजह से सुपर प्लेयर रूल जो है बाद में दोस्तों BCCI ने कैंसिल कर दिया, IPL 2020 में ये लागू नहीं होने वाला। लेकिन ये बहुत ही बड़ा रूल होता अगर इंप्लीमेंट हो जाता, ये काफी कुछ चेंज करता IPL 2020 में। आपको क्या लगता है, क्या दोस्तों सही फैसला सुपर प्लेयर रूल को कैंसिल करने का या फिर इसको आना चाहिए था, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। बात करें दोस्तों दूसरे रूल की जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि कैंसिल होगा या फिर नहीं, वो है दोस्तों प्ले ऑफ्स को लेकर, जहां पर प्ले ऑफ में दोस्तों 5 टीमें जो हैं हमें नजर आ सकती हैं। रिसेंटली दोस्तों बिग बैश लीग जो खेली जा रही है 2019-2020 की, वहां पर आपको बता दें कि 8 में से 5 टीमें जो हैं वो जा रही हैं प्ले ऑफ में, प्ले ऑफ खेलने वाली हैं और प्ले ऑफ में दोस्तों यहां पर उनमें से 2 टीमें जो हैं वो पहुंचेंगी फाइनल में। तो यहां पर 4 की जगह 5 टीमों का प्ले ऑफ रूल जो है वो लेकर आई है बिग बैश लीग, और शायद से ये इंप्लीमेंट जो है BCCI भी कर सकती है अगर ये सक्सेसफुल रहता है बिग बैश लीग में। तो अब देखते हैं यहां पर 4 टीमें होंगी या फिर 5, जैसे ही दोस्तों यहां पर शेड्यूल आएगा इस चीज की कंफर्मेशन जो है हमें मिल जाएगी। वैसे मैक्सिमम चांसेस है कि 4 टीमें ही हमें नजर आए। और अब बात करें दोस्तों तीसरे चेंज की जो कि BCCI करना चाहती थी IPL 2020 में, लेकिन इसको भी कर दिया गया है कैंसिल, वो है दोस्तों एक एडिशनल टीम IPL 2020 में। जी हां दोस्तों, BCCI जो है 9 टीमों के साथ IPL 2020 कराना चाहती थी। ये बड़ा चेंज BCCI करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस चीज को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि दोस्तों इतना टाइम नहीं था कि एक नई टीम का जो है यहां पर लाया जा सके IPL 2020 में। हालांकि IPL 2021 में हमें कंफर्म है कि यहां पर एक एडिशनल टीम देखने को मिलेगी, लेकिन IPL 2020 में इसको जो है कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों ये हैं वो तीन बड़े चेंजेस जो कि हमें IPL 2020 में देखने को मिल सकते थे। इनमें से 2 चेंजेस जो है वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से कैंसिल हो चुके हैं और यहां पर एक भी जो है वो हमें कंफर्म हो जाएगा जैसे ही यहां पर IPL 2020 का शेड्यूल आएगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।